This is my appeal towards the people. Zaid Khalid bhai. मैं हमारे इस प्रोग्राम के सारे नाज़रीन को ये अपील करता हूँ, ख़ास तौर से वो तमाम लोग जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, मरने के बाद की ज़िंदगी पर ईमान रखते हैं, कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो इस प्रॉब्लम के सल्यूशन का हिस्सा बने। और सिर्फ बातों से काम नहीं बनने वाला। हम सब जानते हैं कि एक जान को बचाया तो ऐसा है जैसे सारे इंसानों को बचा लिया, लेकिन क्या हम गियर्ड अप है जान को बचाने में? क्या हमारे पास कोई ट्रेनिंग है? तो ये जो फर्स्ट एड ट्रेनिंग की बात हो रही थी, ये फर्स्ट एड ट्रेनिंग हमें हासिल करनी चाहिए। बल्कि मैं इनक्रेज करूंगा सारे ऐसे सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी सेंटर्स, इस्लामिक सेंटर्स, मसाजिद भी, कि वो ऐसी चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज करें कि कैसे एक जान बचा सकते हैं। और रोड सेफ्टी का ताल्लुक इंसानी ज़िंदगी से है। हम सबको चाहिए कि अपने सजेशंस पास ऑन करें। मैं समझता हूँ कि जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमारा हिंदी कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई चीज़ में अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये नो पार्किंग लगाई गई, ये कोई रिक्वायर्ड नहीं है, अपने सजेशंस को पास ऑन करें, लेकिन उन रूल्स को तोड़े ना। और कोई इसमें बहादुरी नहीं है कि फास्ट स्पीड जा रही है और उसमें कोई हाथ दिखा करके चले जाए और बोले कि मैं तो क्रॉस कर लिया, तो ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, क्योंकि हमारी जान भी अमानत है। लोग बोलते हैं ना मेरी जान है, वो मेरी जान मेरी नहीं है, वो मेरी जान भी अल्लाह की दी हुई अमानत है। कयामत के दिन हमें अल्लाह को जवाब देना है कि इस जान के ताल्लुक से, इस जिस्म के ताल्लुक से, जिस्म के पार्ट्स के ताल्लुक से हमने उसका क्या ख्याल रखा था। उसी तरह किसी और की जान के ताल्लुक से भी हमें संभालना है, पूरा एहतियात बरतना है। दुनिया में हो सकता है कि इंसान बच जाएगा, दुनिया में हो सकता है वो कुछ करप्शन करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाएगा, या हिट एंड रन एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई उसे देखेगा नहीं अगर कैमरा वगैरह नहीं लगा हो, जो कई बार नहीं लगा होता है। लेकिन अल्लाह के पास हर चीज़ का पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड से कोई इंसान बच नहीं सकता है, उसे अपने किए हुए का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्या अच्छों को अच्छाई का बदला नहीं मिलेगा? क्या बुरों को बुराई की सज़ा नहीं मिलेगी? तो हम ये बात को याद रखें कि एक दिन आने वाला है जिस दिन ये फाइंस एंड पेनल्टीज नहीं, जिस दिन अल्लाह ताला के पास से सेटिंग करके बचने का कोई तरीका नहीं होगा, जिस दिन हमें पूरा पूरा बदला मिलेगा अपने काम का, अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा और बुरा किए तो उसकी सजा से बच नहीं सकते। अच्छाई का बदला अच्छा मिलेगा, बुराई का बदला बुरा मिलेगा।